Hello students, in the last video we have studied the theory part of the second order system. Okay, now we will solve some analysis based, some logical problems on second order system. Okay, so first problem is locations of poles are given, okay, for underdamped system for three different systems. Okay, this is the diagram. Okay, now in this diagram, this is correspond to system number 1, this is correspond to system number 2, and this is correspond to system number 3. Okay, so three set of poles are given for the system number 1, system number 2, and system number 3. Okay, यहाँ पर आपको ये point दिमाग में रखना है अच्छे से कि यहाँ पर जो pole है वो आपके complex है. Okay, so अगर poles आपके complex हैं तो आपने last video में पढ़ रखा है कि complex poles सिर्फ और सिर्फ underdamped system में ही आते हैं. Okay, so इस question में 9 to 10 questions बन सकते हैं आपके. एग्जाम में आपसे 9 से 10 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है इस फिगर को देकर. हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन यहां पर करेंगे. एग्जाम में एक टाइम में तो कोई एक ही आएगा, लेकिन जो 9-10 पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं हम सारे के सारे यहां पर सॉल्व करने वाले हैं. ओके, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं डील करूं यहां पर, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है जो हमने फाई एंगल निकाला था. ठीक है, हमने फिर फाई और जीटा को रिलेट किया था लास्ट वीडियो में, तो एंगल फाई में क्या रिलेशन होगा यहां पर. तो आप देखिए, अगर आप सिस्टम नंबर 1 को देखें तो एंगल फाई कुछ ऐसा बनेगा आपका, सिस्टम नंबर 2 में फाई ऐसा बन जाएगा, एंड सिस्टम नंबर 3 में फाई और ग्रेटर हो जाएगा. इसकी क्या मीनिंग है आपकी, कि फाई 3 इज ग्रेटर देन फाई 2 इज ग्रेटर देन फाई 1. क्लियर है ना पॉइंट. फाई क्या था आपका, जब भी आप अंडरडैम सिस्टम के पोल को ओरिजिन से मिलाते हैं तो जो लाइन ड्रॉ होती है वो रियल एक्सिस से जो एंगल बनाएगी वो क्या होता है आपका, फाई होगा. जैसे कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, ओके, तो ये एंगल क्या होगा आपका, फाई होगा. सिमिलरली आप 2 के लिए ड्रॉ करेंगे, सिमिलरली आप 1 के लिए ड्रॉ करेंगे, तो आप देख सकते हैं 3 के लिए सबसे बड़ा होगा, 2 के लिए थोड़ा छोटा होगा, एंड 1 के लिए सबसे छोटा होगा एंगल. ओके, सो दिस इज द रिलेशन, फाई 3 इज ग्रेटर देन फाई 2 इज ग्रेटर देन फाई 1. ओके, नाउ अब हमें पता है कि फाई और जीटा में क्या रिलेशन था. मैं यहां साइड में लिख देता हूं आपके लिए, जो फाई था आपका, दिस इज कॉस इनवर्स जीटा. ओके, या आप जीटा को लिख सकते थे कॉस फाई. ओके, सो आप यहां पर देख सकते हैं कि फाई और जीटा के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे फाई की वैल्यू इंक्रीज होती है, कॉस क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है. इसका मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉस 0 क्या होता है, 1, कॉस 45 क्या होता है, 1/√2. ठीक है, cos 60 क्या होता है, 1/2. ओके, सो इस तरह से आप देख सकते हैं जैसे जैसे फाई की वैल्यू इंक्रीज होगी cos फाई डिक्रीज होगा, दैट मींस जीटा डिक्रीज होगा. तो यहां आप क्या रिलेशन लिख सकते हैं कि जीटा 3 इज लेस देन जीटा 2 इज लेस देन जीटा 1. ओके, सो हमें किसी भी क्वेश्चन में अगर जीटा का रिलेशनशिप पूछा गया है तो हमें सबसे पहले फाई का रिलेशनशिप कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि फाई और जीटा 1:1 है. देखिए, जो फाई है वो सिर्फ जीटा पर डिपेंड कर रहा है, सिमिलरली जो जीटा है सिर्फ फाई पर डिपेंड कर रहा है. अगर यहां पर एक से ज्यादा वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा होता तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे, लेकिन यहां पर 1:1 रिलेशनशिप है तो हम डायरेक्टली यहां पर एनालिसिस कर सकते हैं. ठीक है, नाउ थर्ड क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, आपसे पूछ सकता है कि जो आपने जो मैक्सिमम पीक ओवरशूट कैलकुलेट किया था उसमें क्या रिलेशनशिप होगा आपका तीनों सिस्टम में. तो हमें पता है जो मैक्सिमम पीक ओवरशूट है आपका वो किस पे डिपेंड करता है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपका जीटा पर. ओके, सो एमपीओ का जो फॉर्मूला था वो था आपका, मैं साइड में लिख देता हूं यहां पर, ई की पावर माइनस जीटा पाई अपॉन 1 - जीटा का स्क्वायर. ओके, ये था आपका एमपीओ का फॉर्मूला. नाउ इस एमपीओ के फॉर्मूले में अगर आप देखें यहां पर ध्यान से, जीटा ही सिर्फ एक वेरिएबल है जिस पर डिपेंड कर रहा है एमपीओ. तो यहां पर अगर मैं जज करना चाहता हूं कि जीटा के इंक्रीज होने पे एमपीओ डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया हुआ है जब हम टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट कर रहे थे, आप नॉर्मली वैल्यूज पुट करिए, आप अपने मन से ऐसी ऐसी वैल्यू पुट करिए, कोई एग्जाम्पल लीजिए लाइक 0, 1, 2 जीटा की वैल्यूज, जिससे आपको एमपीओ की वैल्यू कैलकुलेट आप कर सके बिना कैलकुलेटर का यूज किए. आपको ऐसी वैल्यूज चूज करना आना चाहिए, एनालिसिस करना आना चाहिए.
जैसे अगर आप यहां ध्यान से देखें, अगर मैं यहां पर जीटा की वैल्यू 0 पुट करूं तो हमें पता है e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो जब जीटा आपका 0 है तो एमपीओ कितना आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। बहुत इजी हो गया हमारे लिए। ओके, नाउ आप यहां पर ध्यान से अगर देखेंगे, डिनोमिनेटर में आपका जीटा स्क्वायर है एक टर्म और एक टर्म है 1, ठीक है, दोनों ही सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर आप यहां पर जीटा की वैल्यू 1 पुट कर दें तो 1-1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है आपका, 0 होता है। ओके, सो आपको इस तरह से वैल्यू चूज करनी है जिसका आंसर आपको डायरेक्ट पता हो कैलकुलेशन वाइज, ठीक है ना। जैसे आपको डायरेक्ट पता था e की पावर 0-1 होता है, दैट्स इट। आपको पता था 1-1 0 होता है एंड 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। ओके, सो आपने जो दो वैल्यूज पुट की है 0 एंड 1, उसके रेस्पेक्ट में जो आपको एमपीओ मिला है वो मिला है 1 एंड 0। इसकी मीनिंग क्या है, जैसे जैसे आपने जीटा को इंक्रीज किया एमपीओ आपका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इसकी क्या मीनिंग है कि जो आपका एमपीओ 3 होगा, ओके, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा एमपीओ 2 से, ग्रेटर होगा एमपीओ 1 से। दैट मींस बिल्कुल अपोजिट रिलेशनशिप होगा जीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जीटा का रिलेशनशिप क्या था, जीटा 3 इज लेस देन जीटा 2 इज लेस देन जीटा 1। ओके, सो ये आपका एमपीओ का रिलेशनशिप भी यहां से कैलकुलेट हो गया। नाउ नेक्स्ट रिलेशनशिप हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अब कोई ऐसी वैल्यू जिसका हम रिलेशनशिप कैलकुलेट कर पाए। हमने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में बहुत सारे टर्म्स पढ़े हुए हैं। यस, हम यहां पर ओमेगा डी का रिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकते हैं, ओमेगा डी डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, जो आपका कॉम्प्लेक्स पोल था उसका इमेजिनरी पार्ट आपको याद होगा। तो आप देखिए ओमेगा डी को अगर आप ध्यान से देखें तीनों सिस्टम के लिए, तो आप देखिए जो फर्स्ट सिस्टम के लिए ओमेगा डी है वो यहां पर होगा, सेकेंड सिस्टम के लिए इस पोजिशन पर, और थर्ड सिस्टम के लिए इस पोजिशन पर। तो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है हमें कि जो आपका ओमेगा डी 3 है इज ग्रेटर देन ओमेगा डी 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा डी 1 बाई फिगर आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं, अगर आप देखें यहां पर जो आपका रियल पार्ट है सारे के सारे पोल्स का, वो आपका माइनस जीटा ओमेगा एन कॉन्स्टेंट है। आप देख सकते हैं रियल पार्ट सबका सेम है, इमेजिनरी पार्ट सबका अलग अलग था, बट रियल पार्ट सबका सेम है। तो अगर रियल पार्ट सेम है मतलब माइनस जीटा ओमेगा एन सबके लिए सेम है, ठीक है। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो फॉलो करेंगे जो कि टाइम कॉन्स्टेंट पर थी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के, तो आप वहां पर देखेंगे कि अंडर डैम सिस्टम के लिए जो टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू आई थी वो आई थी आपकी टाउ इज इक्वल टू 1/gωn। ओके, दिस इज द टाइम कॉन्स्टेंट वैल्यू फॉर अंडर डैम सिस्टम। ओके, मैं रफ वर्क को यहां सेपरेट कर देता हूं आपके लिए। सो जो आपकी रियल पार्ट है उसका आपने पहले क्या लिया, नेगेटिव लिया और उसका 1/ कर दिया, यही प्रोसीजर मैंने आपको सिखाया था। तो रियल पार्ट क्या था आपका, माइनस जीटा ओमेगा एन था, उसका आपने पहले नेगेटिव पार्ट को एलिमिनेट किया तो क्या बचा, जीटा ओमेगा एन, और 1/ कर दिया, तो यही क्या वैल्यू थी आपकी, टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू थी फॉर द अंडर डैम सिस्टम। तो आप क्या कह सकते हैं यहां पर कि जो टाउ 3 है इज इक्वल टू टाउ 2 इक्वल टू टाउ 1। ओके, क्लियर है पॉइंट। सो टाइम कॉन्स्टेंट हमारा यहां पर कैलकुलेट हो गया। नाउ नेक्स्ट हम क्या बता सकते हैं, नेक्स्ट अगर आपको याद हो लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने सेटलिंग टाइम, पीक टाइम, राइज टाइम के फॉर्मूले डिराइव किए थे। तो अगर मैं यहां ध्यान से देखूं, सेटलिंग टाइम का जो फॉर्मूला था आपका वो बिल्कुल टाउ पे डिपेंड कर रहा था। सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला था जो हमने 2% टॉलरेंस के लिए डिराइव किया था 4/gωn। ओके, फॉर्मूले आपको पिछली वीडियो से रिफर करने पड़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए रफ में लिखता चल रहा हूं। ओके, सो TS का फॉर्मूला था 4/gωn, दैट इज 4 टाउ। ओके, दैट मींस अगर टाउ कॉन्स्टेंट है तो TS भी क्या होगा आपका, कॉन्स्टेंट होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, TS3 इज इक्वल टू TS2 इज इक्वल टू TS1। ओके, सो ये आप 6th कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। नाउ 7th कंक्लूजन देखें हम, पीक टाइम, पीक टाइम हम बता सकते हैं। पीक टाइम का फॉर्मूला क्या था आपका, पीक टाइम का फॉर्मूला था आपका n π/ωd। ओके, n तो आपकी एक इंटीजर वैल्यू थी जो कि p
पीक्स पे डिपेंड कर रही थी कि आप फर्स्ट पीक ले रहे हैं, सेकंड पीक ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें वेरिएबल की तो ओमेगा डी है, ओके, पाई भी आपका कांस्टेंट है, तो ओमेगा डी जो है ओमेगा डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका टीपी। इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये पॉइंट है, देखिए आप, ओमेगा डी थ्री इज ग्रेटर देन ओमेगा डी टू इज ग्रेटर देन ओमेगा डी वन है, इसका मतलब क्या होगा, टीपी थ्री इज लेस देन टीपी टू इज लेस देन टीपी वन, ओके, बहुत इजी रिलेशनशिप हो गया हमारे लिए। नाउ नेक्स्ट रिलेशनशिप, हम राइज टाइम पे रिलेशनशिप दे सकते हैं। राइज टाइम का फॉर्मूला क्या था हमारा, पाई माइनस फाई अपॉन ओमेगा डी, ओके। तो आप यहां पर देख सकते हैं जो आपका राइज टाइम है वो फाई पर भी डिपेंड कर रहा है और ओमेगा डी पर भी डिपेंड कर रहा है, ओके। सपोज करिए अगर मैं फाई को इंक्रीज करता हूं तो राइज टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर मैं ओमेगा डी को इंक्रीज करता हूं तब भी राइज टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। आप देख सकते हैं ना ओमेगा डी जो है आपका डिनोमिनेटर में है, जैसे जैसे आप ओमेगा डी को इंक्रीज करेंगे राइज टाइम डिक्रीज हो जाएगा। सेम फाई आपका है तो न्यूमरेटर में बट माइनस साइन के साथ है, तो जैसे जैसे आप फाई को इंक्रीज करेंगे राइज टाइम फिर से क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो फाई और ओमेगा डी को इंक्रीज करने से राइज टाइम आपका डिक्रीज होगा, ये बिल्कुल फिक्स है। मतलब फाई और ओमेगा डी के रेस्पेक्ट में राइज टाइम इनवर्सली बिहेव करता है आपका, ठीक है। तो हम देख लेते हैं फाई और ओमेगा डी किस तरह से बिहेव करते हैं। तो ओमेगा डी थ्री इज ग्रेटर देन ओमेगा डी टू इज ग्रेटर देन ओमेगा डी वन। नाउ फाई को देखते हैं, फाई भी सेम बिहेव कर रहा है, यस, फाई थ्री इज ग्रेटर देन फाई टू इज ग्रेटर देन फाई वन। इसका मीनिंग क्या होगा आपका, इसका मीनिंग ये हो जाएगा आपका जो टी आर थ्री है वो लेस होगा टी आर टू से, लेस होगा टी आर वन से, ओके। तो ये हमारा एट्थ कंक्लूजन कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट कंक्लूजन, नाइन्थ कंक्लूजन, हम एक और कंक्लूजन यहां पर दे सकते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा एन, ठीक है। अगर आप यहां पर ध्यान से समझें, ओमेगा एन जो होती है आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन होती है, ठीक है। तो ओमेगा एन यहां पर डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी तो आती नहीं है, क्योंकि यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, ओमेगा डी होती है, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन होती है। लेकिन अब आपको यह देखना पड़ेगा कि किस किस फॉर्मूले में ओमेगा एन आपका आया था, उससे आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि ओमेगा एन में क्या रिलेशनशिप होगा, ठीक है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जिसमें ओमेगा एन आपका आया था, द फॉर्मूला ऑफ टाऊ। आप देखिए टाऊ का फॉर्मूला था वन अपॉन जीटा ओमेगा एन, एंड आपको पता है जो टाऊ है वो कॉन्स्टेंट है, जीटा ओमेगा एन भी क्या था आपका, कॉन्स्टेंट था, ओके। अगर जीटा ओमेगा एन कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या है कि अगर जीटा इंक्रीज हो रहा हो तो ओमेगा एन को क्या होना होगा, डिक्रीज होना होगा, क्योंकि अगर दोनों एक साथ इंक्रीज हो गए तब तो जीटा ओमेगा एन कांस्टेंट नहीं हो सकता ना, एक इंक्रीज होगा और एक डिक्रीज होगा उसी रेशियो में, तभी क्या होगा आपका, जीटा ओमेगा एन कांस्टेंट होगा। मीनिंग समझ में आ रही है, इसका मीनिंग क्या है कि अगर जीटा आपका इंक्रीज हो रहा है तो ओमेगा एन को हर हाल में क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज हो रहा होगा। अगर जीटा आपका डिक्रीज हो रहा है तो ओमेगा एन को हर हाल में क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा, ओके। सो आप जीटा का रिलेशनशिप यहां पर देखिए, जीटा जो है, जीटा थ्री इज लेस देन जीटा टू इज लेस देन जीटा वन है, इसकी मीनिंग क्या होगी, ओमेगा एन थ्री इज ग्रेटर देन ओमेगा एन टू इज ग्रेटर देन ओमेगा एन वन, ओके। सो ये आपके टोटल नाइन कंक्लूजन है, ओके। मीन्स किसी भी एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन देता है तो ये नाइन में से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, आपसे सारे के सारे नाइन क्वेश्चन नहीं पूछेगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ओके। तो जैसे सपोज करिए आपसे पूछा कि तीनों सिस्टम के लिए एमपीओ में क्या रिलेशनशिप होगा, तो आपको चार ऑप्शन क्रिएट कर देगा। एक ऑप्शन आपको दे सकता है एमपीओ थ्री इज इक्वल टू एमपीओ टू इज इक्वल टू एमपीओ वन, ठीक है। एक ऑप्शन दे सकता है जो यहां पर लिखा हुआ है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एक ऑप्शन आपको थर्ड दे सकता था एमपीओ थ्री इज लेस देन एमपीओ टू इज लेस देन एमपीओ वन, ओके, ये दे सकता था। एक ऑप्शन ये दे सकता था कैनॉट बी डिटरमाइंड, मीन्स आप रिलेशनशिप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं बाय गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने चार इंफॉर्मेशन या चार ऑप्शन आपके सामने देगा, आपको राइट इंफॉर्मेशन या राइट ऑप्शन चूज करनी होगी, ओके। लॉजिक क्लियर हो पा रहा है, तो ये क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, बट फिर भी अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तभी आपसे ये क्वेश्चन बन पाएगा, ओके। सो ऐसे क्वेश्चन भी गेट और ईएस में काफी आते हैं, ठीक है। मैं अब सेकेंड क्वेश्चन ले रहा हूं इसी पैटर्न पे, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर टू,
सपोज करिए अगेन मुझे अंडर डैम सिस्टम के पोल्स दिए गए हैं फॉर द थ्री सिस्टम, ओके, सो मैं इस तरह से ले लेता हूं इस बार लाइक दिस, ओके, कॉम्प्लेक्स पोल है तो जो ऊपर होंगे सेम नीचे होंगे, हम किसी का भी एनालिसिस कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो आप ऊपर वालों का कर लीजिए या तो नीचे वालों का कर लीजिए। सपोज करिए दिस इज वन, वन डैश, टू, टू डैश, दिस इज थ्री, थ्री डैश, ओके, सो ये आपके जो पोल्स है कॉम्प्लेक्स पोल ये सिस्टम वन के हैं, ये कॉम्प्लेक्स पोल आपके सिस्टम टू के हैं, ये कॉम्प्लेक्स पोल आपके सिस्टम थ्री के हैं, ठीक है, तो आपको सिस्टम वन को, सिस्टम टू को, सिस्टम थ्री को कंपेयर करना है, ओके। नाउ अगेन फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं फाई को कंपेयर करता हूं यहां से, तो फाई मींस क्या है, आप अपने कॉम्प्लेक्स पोल को ओरिजिन से मिला दीजिए, जो भी लाइन बनेगी वो रियल एक्सिस से जो एंगल बना रही होगी वही क्या है आपकी फाई है, ओके। आप देखिए जरा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर आप वन वाले पोल को मिलाते हैं तो ये आपका फाई हो जाएगा, टू वाले पोल को मिलाएंगे तो ये आपका फाई हो जाएगा, थ्री वाले पोल को मिलाएंगे तो ये आपका फाई हो जाएगा, मीन्स क्या हो रहा है आपका थ्री वाले पोल के लिए फाई आपका सबसे स्मॉल आ रहा है, वन वाले पोल के लिए सबसे ग्रेटर आ रहा है, एंड टू वाले पोल के लिए इन बिटवीन आ रहा है, ओके, सो कितना हो जाएगा आपका फाई थ्री इज लेस देन फाई टू इज लेस देन फाई वन, बिल्कुल इजी है हमारे लिए, ओके। नाउ सेकेंड, हम पढ़ चुके हैं लास्ट में कि अगर आपको फाई का रिलेशन पता है तो एक रिलेशन निकालना सबसे आसान होता है, वो होता है जीटा का। हमने क्या पढ़ा है लास्ट क्वेश्चन में, फाई और जीटा में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो आपका क्या हो जाएगा जीटा थ्री इज ग्रेटर देन जीटा टू इज ग्रेटर देन जीटा वन, ओके। नाउ थर्ड, फिर हमने पढ़ा था एमपीओ का रिलेशनशिप, हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है कि एमपीओ और जीटा में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ओके, सो अगर आपको जीटा का रिलेशनशिप पता है तो एमपीओ का भी पता चल गया, एमपीओ थ्री इज लेस देन एमपीओ टू इज लेस देन एमपीओ वन, ओके। आप फर्स्ट और थर्ड से यह भी बोल सकते हैं कि फाई और एमपीओ में सेम रिलेशनशिप होता है, ये आपका कंक्लूजन हमेशा फिट बैठेगा, ओके, लॉजिक क्लियर है। नाउ फोर्थ रिलेशनशिप जो आप दे सकते हैं, जो आपने लास्ट में दिया था, वो था ओमेगा डी का, तो ओमेगा डी का रिलेशनशिप आपका क्या हो जाएगा, आप देखिए यहां से, अगर आप देखें ओमेगा डी क्या था, कॉम्प्लेक्स पोल का इमेजिनरी पार्ट था, आप देख सकते हैं तीनों के तीनों पोल के लिए इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है, सेम है, ओके, तो आप क्या बोलेंगे, ओमेगा डी थ्री इज इक्वल टू ओमेगा डी टू इज इक्वल टू ओमेगा डी वन, बहुत इजी रिलेशनशिप हो गया आपके लिए। नाउ नेक्स्ट रिलेशनशिप जो आप दे सकते हैं, वो दे सकते हैं टाउ, टाइम कॉन्स्टेंट के ऊपर, तो टाइम कॉन्स्टेंट हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स पोल का जो रियल पार्ट होता है उसमें से आपको नेगेटिव साइन को हटा देना है और उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, मींस वन अपॉन जीटा ओमेगा एन, ओके, सो आप देखिए यहां पर जो तीनों पोल हैं, तीनों के रियल पार्ट यहां पर डिफरेंट डिफरेंट है, इसका मीनिंग क्या है, टाउ का रिलेशन भी इस बार होगा आपके पास, टाउ आपके पास इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना, या तो टाउ थ्री ग्रेटर होगा या तो टाउ वन ग्रेटर होगा, ठीक है, तो आप देखिए यहां पर ध्यान से, यहां पर वन वाले के लिए निकलेगा, यहां पर टू वाले के लिए है और यहां पर आपका थ्री वाले के लिए है, ओके। अब आप मुझे बताइए, ये जो वन वाला है वो सबसे पास है, ठीक है, तो इसका जो वन अपॉन होगा वो सबसे क्या होगा आपके लिए, ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। सपोज करिए यहां पर आपका माइनस टू है, दिस इज माइनस फोर एंड दिस इज माइनस सिक्स, सपोज करिए, एक एग्जाम्पल है, ओके, तो माइनस टू से आपको पहले माइनस एलिमिनेट करना है और उसका रेसिप्रोकल लेना है, तो टाउ वन क्या हो जाएगा, वन बाय टू, टाउ टू क्या हो जाएगा, वन बाय फोर, और टाउ थ्री क्या हो जाएगा, वन बाय सिक्स, क्लियर है पॉइंट। तो आप जितना इमेजिनरी एक्सिस के पास रहेंगे उतना ही टाउ की वैल्यू क्या होगी आपके लिए, ज्यादा होगी, ओके, क्योंकि आपको रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पर कि टाउ थ्री इज लेस देन टाउ टू इज लेस देन टाउ वन, टाउ थ्री आपका यहां पर सबसे छोटा होगा और टाउ वन यहां पर आपका सबसे बड़ा होगा, क्लियर है पॉइंट। अब हम जानते हैं कि अगर हमें टाउ का रिलेशनशिप पता है तो हम बड़े आराम से सेटलिंग टाइम का रिलेशनशिप बता सकते हैं, क्योंकि टाउ और सेटलिंग टाइम दोनों का रिलेशनशिप क्या होता है आपका, सेम होता है, तो आप क्या लिखेंगे, टी एस थ्री इज लेस देन टी एस टू इज लेस देन टी एस वन, ओके। नाउ नेक्स्ट रिलेशनशिप
पीक टाइम का अगर मैं बताऊं, पीक टाइम का आपने फॉर्मूला देखा था लास्ट क्वेश्चन में, एन पाई अपॉन ओमेगा डी, मीन्स पीक टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा डी। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं फोर्थ केस से ओमेगा डी आपके क्या है, सेम है। इसका मीनिंग क्या है आपका, जो पीक टाइम भी होगा वो क्या होगा आपका, सेम होगा। ठीक है, लॉजिक क्लियर है यहां तक। नाउ एट कंक्लूजन, ये क्या हो जाएगा आपका राइज टाइम का। राइज टाइम का आपने देखा था लास्ट क्वेश्चन में, राइज टाइम जो है फाई को इंक्रीज करने से भी डिक्रीज होता है और ओमेगा डी को इंक्रीज करने से भी डिक्रीज होता है। ओके, ओमेगा डी तो यहां पर कॉन्स्टेंट है तो ओमेगा डी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी कारण आपका पीक टाइम भी क्या हो गया था, सेम हो गया था। लेकिन जो आपका राइज टाइम है वो फाई पर भी डिपेंड करता है, तो आप देखिए फाई यहां पर कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है ना, तो फाई के रिस्पेक्ट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना, राइज टाइम का। तो क्या हो जाएगा, फाई थ्री इज लेस देन फाई टू इज लेस देन फाई वन है, तो राइज टाइम क्या होगा, टी आर थ्री इज ग्रेटर देन टी आर टू इज ग्रेटर देन टी आर वन। ओके, सो टी आर थ्री इज ग्रेटर देन टी आर टू इज ग्रेटर देन टी आर वन। नाउ नाइन्थ रिलेशनशिप, लास्ट रिलेशनशिप ओमेगा एन की। ओके, ओमेगा एन के फॉर्मुलेज अगर मैं फिर से देखूं तो एक फॉर्मूला तो है मेरे पास कि जीटा ओमेगा एन का फॉर्मूला, ठीक है। जीटा ओमेगा एन को अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो जीटा ओमेगा एन जो सिस्टम वन का है वो क्या है आपका, सबसे लेस है। जीटा ओमेगा एन टू उससे बड़ा है, जीटा ओमेगा एन थ्री सबसे बड़ा है, ठीक है ना। मैं सिर्फ जीटा ओमेगा एन की बात कर रहा हूं, मैं माइनस साइन को नहीं ले रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर जीटा ओमेगा एन का रिलेशनशिप मुझे पता है कि थ्री का आपका सबसे बड़ा है, देन टू का है, देन आपका वन का है, ओके, तो क्या उससे मैं कुछ कंक्लूजन दे सकता हूं, क्योंकि हमारे पास एक कंक्लूजन है जीटा का भी, ठीक है ना। जीटा थ्री इज ग्रेटर देन जीटा टू इज ग्रेटर देन जीटा वन, ठीक है ना, ये कंक्लूजन है हमारे पास, जीटा थ्री इज ग्रेटर देन जीटा टू इज ग्रेटर देन जीटा वन। तो क्या मैं श्योरिटी से बोल सकता हूं यहां पर, नहीं, क्योंकि यहां पर आपके दो दो अलग अलग कंक्लूजन है, ठीक है ना। लास्ट टाइम क्या हो रहा था आपका, जीटा ओमेगा एन कॉन्स्टेंट था और जीटा का रिलेशनशिप था आपके पास, तो उससे आपने ओमेगा एन का रिलेशनशिप निकाल लिया। ओके, यहां आप श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि ओमेगा एन थ्री इज ग्रेटर देन ओमेगा एन टू इज ग्रेटर देन ओमेगा एन वन, हो सकता है आपका लेस भी हो, ठीक है ना, हो सकता है आपका इक्वल भी हो, तो आप बोल नहीं सकते यहां पर श्योरिटी से। तो और क्या रिलेशनशिप हो सकता है ओमेगा एन का, आप सोचिए। ओमेगा एन का एक और रिलेशनशिप जो हमारे पास हो सकता है वो है ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन वन माइनस जीटा का स्क्वायर, ये एक और रिलेशनशिप है हमारे पास ओमेगा एन का। तो यहां पर हमने क्या देखा हुआ है कि जो ओमेगा डी है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब ओमेगा एन इंटू वन माइनस जीटा स्क्वायर जो अंडर रूट के अंदर है आपका इज इक्वल टू कांस्टेंट है। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर आपका ये टर्म इंक्रीज हो रहा हो तो इस टर्म को क्या होना होगा, डिक्रीज होना होगा, ठीक है। मतलब ये दोनों टर्म में आपका इनवर्स रिलेशनशिप होगा क्योंकि इन दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट है वो क्या है आपका, कांस्टेंट है। क्लियर है पॉइंट अच्छे से। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, अब बहुत लोग ये बोलेंगे जो बिल्कुल एनालिसिस नहीं करेंगे वो डायरेक्ट बोल देंगे कि ओमेगा एन और जीटा में इनवर्स रिलेशनशिप होगा, नहीं, आप इसे ध्यान से देखिए। यहां पर ओमेगा एन और जीटा आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, ओमेगा एन इंटू अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाइड है। ओके, समझना होगा आपको। तो देखिए, जैसे सपोज करिए जब जीटा आपका इंक्रीज होगा तो ये जो वन माइनस जीटा स्क्वायर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये पॉइंट आपको समझना होगा। तो अगर जीटा इंक्रीज हो रहा है तो ये टर्म आपका डिक्रीज होगा, इसका मतलब ओमेगा एन को भी क्या होना होगा, इंक्रीज होना होगा। समझ में आ रही है बात। एक और एग्जांपल सुनिए, अगर जीटा आपका डिक्रीज हो रहा है तो वन माइनस जीटा स्क्वायर क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसका मतलब ओमेगा एन को क्या होना होगा, डिक्रीज होना होगा। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि ओमेगा एन एंड जीटा में सेम रिलेशनशिप होगा आपका, ठीक है ना, लॉजिक क्लियर है। तो जीटा का रिलेशनशिप क्या है आपका, जीटा थ्री इज ग्रेटर देन जीटा टू इज ग्रेटर देन जीटा वन। तो यहां पर हो जाएगा आपका ओमेगा एन थ्री इज ग्रेटर देन ओमेगा एन टू इज ग्रेटर देन ओमेगा एन वन। ओके, सो ये आपके नाइन रिलेशनशिप्स है, ठीक है, फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ सेम पैटर्न पे मैं थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं।
मैं तीन क्वेश्चन इसलिए यहां पे कंसीडर कर रहा हूं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने ये टॉपिक एक बार अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन श्योर हो जाएगा। ओके नाउ देखिए आप यहां सपोज करिए अगेन थ्री सिस्टम्स हैं आपके। ओके मैं यहां पर आपकी पोल्स की लोकेशन ड्रॉ कर रहा हूं, तो दिस इज वन वन डैश टू टू डैश एंड थ्री थ्री डैश। ओके फिर से आपके पोल्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं। ओके तीन अलग अलग सिस्टम के पोल्स हैं, अंडर डैम सिस्टम के लिए हैं, ये सारी चीजें सेम हैं आपकी। आपको फिर से नाइन रिलेशनशिप यहां पर कैलकुलेट करने हैं। ओके यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये तीनों पोल एक ही लाइन में है, सेम नीचे भी सेम ही होंगे, ऑब्वियसली बात है कॉम्प्लेक्स है तो अगर ये तीनों पोल एक ही लाइन में है आपके, इसकी मीनिंग क्या है आपकी कि जो आपका फाई है यहां पर वो क्या है आपका सेम है। ओके सो फाई थ्री इज इक्वल टू फाई टू इज इक्वल टू फाई वन, क्योंकि जब आप इनको रियल एक्सिस से मिलाएंगे तो जो लाइन है वो सेम ही होगी, तो फाई भी आपका क्या होगा सेम होगा। ओके नाउ हम जानते हैं फाई और जीटा में वन ऑन वन रिलेशनशिप होता है, तो अगर फाई सेम है तो जीटा भी क्या होगा आपका सेम होगा, जीटा थ्री इज इक्वल टू जीटा टू इज इक्वल टू जीटा वन। क्लियर है ये पॉइंट आपको। नाउ थर्ड रिलेशनशिप होता है आपका एमपीओ का। अगर हम जानते हैं कि फाई और जीटा सेम है तो ऑब्वियस सी बात है एमपीओ भी क्या होगा आपका सेम होगा, तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी होता चला जा रहा है हमारे लिए। ओके आपका फाई भी सेम हो गया, जीटा भी सेम हो गया और एमपीओ भी क्या हो गया सेम हो गया, तो आपको अब तीन क्वेश्चन देख के ये तो समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आपको फाई ही निकालना है। एक बार अगर फाई निकल गया तो जीटा और एमपीओ तो बिल्कुल बोल सकते हैं आप, आपको थाली में परोस के मिल गया है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट वन ऑन वन आपका फॉर्मूला है, कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्या निकाल सकते हैं हम लोग यहां पर, आप देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन में ओमेगा डी। तो ओमेगा डी को अगर आप ध्यान से यहां पर देखें तो आप देख सकते हैं थर्ड सिस्टम के लिए ओमेगा डी सबसे ग्रेटर होगा, सेकेंड के लिए फिर उससे लेस होगा और फर्स्ट के लिए आपका सबसे लेस होगा। ओके सो आप लिख सकते हैं ओमेगा डी थ्री इज ग्रेटर देन ओमेगा डी टू इज ग्रेटर देन ओमेगा डी वन। ओके नाउ नेक्स्ट हम क्या निकाल सकते हैं, टाउ निकाल सकते हैं। तो आप देखिए यहां पर ये टाउ क्या होता है आपका रियल एक्सिस की लोकेशन से आपका निकल कर आता है, ठीक है, तो आप देखिए रियल लोकेशन इसकी ये है और थर्ड वाले की ये है। ओके तो आप फिर से देखिए लास्ट क्वेश्चन जैसा ही हो गया, क्वेश्चन नंबर टू जैसा, जो लोकेशन सबसे पास होगी इमेजिनरी एक्सिस के वही टाउ सबसे बड़ा होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका टाउ थ्री इज ग्रेटर देन टाउ टू इज ग्रेटर देन टाउ वन। ओके क्लियर है पॉइंट। नाउ नेक्स्ट कंक्लूजन, अगर आप नेक्स्ट कंक्लूजन को यहां पर ध्यान से देखें तो नेक्स्ट कंक्लूजन हम दे सकते हैं सेटलिंग टाइम का। सेटलिंग टाइम हमें पता है जो कंक्लूजन टाउ का होगा वही कंक्लूजन क्या होगा सेटलिंग टाइम का भी होगा, तो ये भी आपका बिल्कुल हो गया। नाउ नेक्स्ट अगर आप देखें यहां पर हम पीक टाइम का दे सकते हैं, पीक टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपका पाई अपॉन ओमेगा डी, ठीक है ना, एन पाई अपॉन ओमेगा डी, सपोज करिए एन इक्वल टू वन है तो पाई अपॉन ओमेगा डी, तो सेम मतलब ओमेगा डी का रिलेशनशिप फॉलो करेगा इनवर्स में, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा आपका टीपी थ्री is less than TP2 is less than TP1, ठीक है ना। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम लोग सेम क्वेश्चन दो बार कर चुके हैं, ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। नाउ राइज टाइम का फॉर्मूला क्या था, पाई माइनस फाई अपॉन ओमेगा डी, ठीक है, तो फाई और ओमेगा डी दोनों पर डिपेंड कर रहा है बट इनवर्सली, तो आप देख सकते हैं फाई तो आपका कॉन्स्टेंट था तो ओमेगा डी के इनवर्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टी आर थ्री इज लेस देन टी आर टू इज लेस देन टी आर वन। नाउ नेक्स्ट इज ओमेगा एन का रिलेशनशिप। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें ओमेगा एन के लिए तो आप देख सकते हैं ना तो यहां पर जीटा ओमेगा एन कॉन्स्टेंट है ना ही यहां पर ओमेगा डी कॉन्स्टेंट है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझें तो यहां पर आपका जीटा कॉन्स्टेंट है। ओके तो अगर जीटा आपका कॉन्स्टेंट है तो आप देखिए आप दोनों फॉर्मूले यूज कर लीजिए, आपको पता है कि जो जीटा ओमेगा एन है आपका ओके उस पे रिलेशनशिप आपको नोन है, तो जो जीटा ओमेगा एन थ्री है वो सबसे ग्रेटर है, तो जीटा ओमेगा एन थ्री
is greater than zeta omega n2 is greater than zeta omega n1. Okay? तो हमें पता है कि अगर जीटा सब में कांस्टेंट है तो बहुत इजी हो गया ना क्वेश्चन. अब तो क्या हो गया आपका, ओमेगा एन थ्री इज ग्रेटर देन ओमेगा एन टू इज ग्रेटर देन ओमेगा एन वन, क्योंकि हमें पता है जो जीटा है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है. आप चाहते तो सेम चीज को आप सेकंड फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते थे, ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा का स्क्वायर. ठीक है, आपको पता है कि जो जीटा है वो कांस्टेंट है, मतलब ये टर्म जो होगा वो क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा. तो जो ओमेगा डी है वो किस पे डिपेंड करेगी, ओमेगा एन पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओमेगा डी ओमेगा एन के. ओके, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, जो रिलेशन ओमेगा डी का होगा वही रिलेशन किसका होगा, ओमेगा एन का होगा. तो आप देखिए ओमेगा डी का रिलेशनशिप क्या है, ओमेगा डी थ्री इज ग्रेटर देन ओमेगा डी टू इज ग्रेटर देन ओमेगा डी वन, तो सेम रिलेशनशिप आपका आ गया ओमेगा एन का. ओके, सो बहुत इजी क्वेश्चंस है अगर एक बार आप मेथड समझ जाएं कि आपको करना क्या है, आपको स्टार्ट कहां से लेना है. तो अगर आप तीनों क्वेश्चन का एक बार समरी देखें, तो अगर आपको जीटा निकालना है या एमपीओ में रिलेशनशिप निकालना है तो आपको हर हाल में पहले फाई का रिलेशनशिप पता होना चाहिए. ओके, ठीक है, तो जीटा और एमपीओ, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट कंक्लूजन यहां पर बोलूं जीटा एंड एमपीओ, इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फाई का रिलेशनशिप पता हो. अगर मैं सेकंड कंक्लूजन बोलूं, ठीक है, मैं बोलूं अगर आपको सेटलिंग टाइम चाहिए तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको टाउ का रिलेशनशिप पता हो. ठीक है, अगर मैं यहां पर थर्ड कंक्लूजन बोलूं कि अगर आपको यहां पर पीक टाइम एंड राइज टाइम चाहिए तो आपको हर हाल में ओमेगा डी का रिलेशनशिप पता होना चाहिए, और आप कह सकते हैं फाई का भी. क्यों, क्योंकि राइज टाइम फाई पर भी डिपेंड करता है. ओके, नाउ वैसे अगर आप तीनों क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आप देख रहे होंगे जनरली जो आपका ओमेगा डी और फाई है दोनों का रिलेशनशिप आपका सेम आता है, या आपका फाई कांस्टेंट हो जाएगा या ओमेगा डी कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है ना, लॉजिक क्लियर है. तो इस तरह से आपको रिलेशनशिप चाहिए चाहिए. ओके, तो ये आपका तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको अगर तीनों में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में से पोस्ट करिए, और इस तरह का अगर आप कोई नया क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, हम उस क्वेश्चन को भी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे. ओके, गुड बाय.